दुनिया भर में कई सारे लोग हैं जो अपनी किसी खास वजह के चलते लोगों के बीच हमेशा चर्चित रहते हैं, फिर चाहे हम उसमें दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे की बात कर रहे हों, या फिर एक ऐसे इंसान की जिसका जन्म ही बिना हाथ और पैरों के हुआ हो। और आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही दुनिया भर के ना तो 5 और ना ही 7 बल्कि पूरे 10 अजीबो गरीब लोगों के बारे में जानोगे, जिनकी बॉडी में जो हमें इम्पॉसिबल लगता है वो भी पॉसिबल हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अभी एंड ब्रिटानी। आप लोगों ने अभी तक ना जाने कितने जुड़वा बच्चों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने संयुक्त जुड़वा बच्चों के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, 7 मार्च 1990 को अमेरिका में जन्मी अबीगैल लोराइन हेंसल और ब्रिटनी ली हेंसल दो संयुक्त जुड़वा बहनें हैं, जिसको साइंस की भाषा में डाइसेफेलिक पैरापेगस ट्विंस कहा जाता है। इसमें किसी बॉडी के सर तो दो होते हैं बल्कि धड़ सिर्फ एक ही होता है। और इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पूरी बॉडी का एक हिस्सा एक सर के कंट्रोल में होता है, वहीं दूसरा हिस्सा दूसरे सर के कंट्रोल में होता है, जिसका अगर स्केलेटन फॉर्म देखा जाए तो वो कुछ ऐसा होता है। अबीगैल और ब्रिटनी का धड़ तो एक ही है, लेकिन उसमें दो सर के साथ साथ दो अलग अलग स्पाइनल कॉर्ड्स, दो हर्ट्स, दो पेट और 4 लंग्स मौजूद हैं। और ये दोनों बहनें एक नॉर्मल लाइफ जीती हैं, फिर चाहे उसमें लिखने पढ़ने से लेकर गाड़ी या साइकिल चलाना भी क्यों ना शामिल हो। और अगर अभी की बात करें तो ये 2013 से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं, और इसके अलावा इन्होंने एक टीवी रियलिटी शो में एक्टिंग का भी काम किया है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में यही दो संयुक्त जुड़वा बहनें हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ और भी कंजॉइंड चाइल्ड्स पैदा हुए हैं, जिनके डेटा के अनुसार डॉक्टर्स का ये मानना है कि 2 लाख जुड़वा बच्चों के जन्म में किसी एक बेबी के साथ ऐसा होने के चांसेस होते हैं। नंबर 2, टॉम स्टैनीफोर्ड। दुनिया का हर एक इंसान अपने आप को फिट रखना पसंद करता है, फिर चाहे भले ही उसे अपनी डाइट पर हजारों रुपए क्यों ना खर्च करने पड़ जाएं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूनाइटेड किंगडम के टॉम स्टैनीफोर्ड को MDP सिंड्रोम नाम की एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते इनकी बॉडी का फैट 0% हो गया है। इस बीमारी के चलते ये कोई सा भी पौष्टिक से पौष्टिक भोजन का सेवन करें पर इनकी मसल्स एक भी नहीं बनती हैं, जिसके चलते इन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फैट न होने की वजह से इन्हें अगर कोई चोट लग जाती है तो वो तुरंत हड्डियों तक पहुंच जाती है, जिसके चलते इन्हें ठीक होने में एक एवरेज इंसान से ज्यादा समय लगता है। और इसके अलावा इस बीमारी की वजह से इनकी हियरिंग पावर भी कम हो गई है, जिसके चलते इन्हें हियरिंग एड पहनने पड़ते हैं। टॉम दुनिया के उन 8-10 लोगों में से एक हैं जिन्हें इस रेयर कंडीशन का शिकार होना पड़ा है, जो कि टॉम को 12 साल की उम्र में हो गया था। नंबर 3, मिचेल लोटिटो। दुनिया भर में अगर अजीब खाना खाने वाले लोगों की बात की जाए तो वो चाइना से ज्यादा घिनौने लोग आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने वाले हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में करीब 9 टन लोहे की चीजें खाई हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 जून 1950 को फ्रांस में जन्मे मिचेल लोटिटो ने अपनी 16 साल की उम्र से ही असामान्य चीजें खाना शुरू कर दिया था, जिनमें कोई जीव जंतु नहीं बल्कि लोहे और कांच जैसी धातुएं शामिल थी, जो कि उनके पेट में जाने के बाद एक नॉर्मल फूड की तरह डाइजेस्ट हो जाती थी। और इसकी वजह थी उनकी बॉडी का एक खास प्रकार की बीमारी से अफेक्टेड होना, जिसे मेडिकल की भाषा में पीका कहा जाता है। और जब ये सुपर ह्यूमन की क्वालिटी मिचेल को पता चली तो उसने इन चीजों को खाने का एक पैशन बना लिया, और लोगों के बीच जा जाकर टेलीविजन, साइकिल और कंप्यूटर जैसी चीजों को खा के दिखाने का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे इसे कुछ पैसे भी मिल जाते थे। लेकिन दुनिया भर में मिचेल तब फेमस हो गया जब इसने 1978 से 1980 के बीच सेसना 150 हेलीकॉप्टर को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर पूरा खा डाला, जिसको बाद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया, क्योंकि 25 जून 2007 को 57 ईयर्स की एज में इनकी नेचुरल डेथ हो गई थी। नंबर 4, अमो हाजी। ईरान के एक छोटे से गांव के दूर दराज एरिया में रहने वाला ये इंसान
दुनिया का सबसे डर्टीएस्ट मैन है, जिसने कि पिछले 60 सालों में एक बार भी नहीं नहाया है। लेकिन दोस्तों, इसके वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन होने का यही एक रीजन नहीं है, इसका दूसरा कारण है इसका रहन सहन। इसको खाने में जो कुछ भी मिल जाता है ये उसे खा लेता है, फिर चाहे उसमें मरे हुए जानवर का मांस ही क्यों ना हो। ये गांव से दूर एक गंदी रिमोट जगह पर अपने द्वारा बनाई गई एक गुफा में रहता है और हमेशा जानवरों के पोप का सिगार पिया करता है। लेकिन खुशी की बात इसमें यह है दोस्तों कि अब इसकी आत्मा को इस जिंदगी से छुटकारा मिल चुका है, क्योंकि 23 अक्टूबर 2022 को 94 इयर्स की एज में इसकी डेथ हो गई है। नंबर 5, गैरी टर्नर। यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला ये इंसान पूरी दुनिया में अपनी लचीली त्वचा को लेकर फेमस है, जो कि इसे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनाती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी बॉडी में एहलर्स डेनलोस सिंड्रोम नाम का एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से इसकी त्वचा बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। इसने अपनी पेट की स्किन को 15.8 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करके वर्ल्ड स्ट्रेचिस्ट स्किन मैन का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और अगर वहीं बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो स्किन को स्ट्रेच करते समय तो इसे कोई भी दर्द नहीं होता है, लेकिन जॉइंट में हाइपर मोबिलिटी के कारण छोटी सी चोट में भी भारी दर्द को सहन करना पड़ता है। नंबर 6, सन मिंगमिंग। चाइना में जन्मा ये 7 फीट 9 इंचेस का इंसान एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि ये दुनिया का इतनी ज्यादा हाइट होने के चलते टालेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है, जिसका इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन ये तो दोस्तों इसका हुआ सिर्फ एक ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसके अलावा इसके नाम टालेस्ट लिविंग कपल होने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि इसकी वाइफ शू यान की भी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है, जिसके चलते इस कपल की टोटल हाइट 13 फीट 11 इंचेस हो जाती है, जो दुनिया भर के किसी भी लिविंग कपल की नहीं है। नंबर 7, फ्रांसिस्को डोमिंगो जोआकिम। सेंट्रल अफ्रीका के एंगोला कंट्री में रहने वाले इस शख्स का मुंह दुनिया का सबसे चौड़ा मुंह है, जिसमें ये 330 ml की एक पूरी की पूरी सोडा कोन को अपने मुंह में डाल लेता है। इसने 2010 में इटली के एक शो में अपने माउथ को 17 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि यकीनन अनबिलीवेबल है, क्योंकि जहां एक नॉर्मल इंसान का मुंह 4 से 6 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच होता है, वहीं इस शख्स का 17 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हो जाता है। नंबर 8, सुल्तान कोसेन। तुर्की में रहने वाला ये इंसान दुनिया का सबसे लंबा व्यक्ति है, जिसकी हाइट 8 फीट 3 इंच यानी लगभग 251 सेंटीमीटर। इतनी ज्यादा हाइट के चलते सुल्तान को काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, फिर चाहे उसमें रोजमर्रा की जिंदगी के ही काम क्यों ना शामिल हो। सुल्तान ना तो किसी कार में ठीक से फिट बैठ पाता है और ना ही इसके लिए कपड़े किसी मार्केट में मिलते हैं। लेकिन आखिर इसकी हाइट इतनी ज्यादा कैसे हो गई? तो इसके लिए दोस्तों सुल्तान के ब्रेन में ही मौजूद एक ट्यूमर जिम्मेदार है, जिसके चलते इसकी बॉडी एक रेयर कंडीशन पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म का शिकार हो गई है, जिसने इसकी ग्रोथ साइज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। सुल्तान की बॉडी का साइज 10 साल तक तो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही एक्सपेंड हुआ था, लेकिन उसके बाद बॉडी के एक्सपेंशन ने जोरों से रफ्तार पकड़ ली और तब जाकर रुकी जब इसे टालेस्ट लिविंग मैन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद सुल्तान ग्लोबली फेमस हो गया था, जिसका इसे बहुत सारा एडवांटेज मिला। सुल्तान की नॉन स्टॉप ग्रोथ को रोकने के लिए इसके ट्यूमर की फ्री लाइफ सेविंग सर्जरी की गई थी और इसे पूरी दुनिया में फ्री में ट्रेवल करने का चांस दिया गया था, एंड कपड़ों और शादी के अलावा इसे एक हॉलीवुड मूवी में भी एक्टिंग करने का काम मिला था। और इस प्रकार इसकी ये डिसएडवांटेज वाली हाइट एक एडवांटेज में बदल गई। नंबर 9, ज्योति आमगे। भारत के नागपुर में रहने वाली ज्योति आमगे कोई 10 या 12 साल की लड़की नहीं है, बल्कि 28 वर्ष की एक महिला है, जो कि पूरी दुनिया में शॉर्टेस्ट लिविंग वुमेन के नाम से जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इनकी हाइट सिर्फ 62.8 सेंटीमीटर है, जो कि इनके नाम दुनिया की सबसे छोटी महिला होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, ये जिस अंदाज से अपनी इस जिंदगी को जीती हैं, वो यकीनन उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो हमेशा अपने आप को बॉडी में किसी कमी के चलते कोसते रहते हैं। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कम हाइट के चलते हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है, लेकिन फिर भी ये अपनी लाइफ
को एंजॉय करते हुए जीती है और लोगों से तो कुछ इस प्रकार से इंटरेक्ट करती हैं मानो वो कभी उस लम्हा को भुला ही ना पाए। और इनके इसी अंदाज ने इन्हें हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में काम करने का मौका दिया है। और आज ये ना सिर्फ शॉर्टेस्ट लिविंग वुमेन के नाम से जानी जाती है बल्कि इंडियन एक्ट्रेस के नाम से भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। नंबर 10, निक वुजसिक। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में जन्मे निक वुजसिक दुनिया के एक ऐसे इंसान हैं जिनका जन्म टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम के साथ हुआ है। इस रेयर डिसऑर्डर में बेबी के ना तो दोनों हाथ होते हैं और ना ही दोनों पैर। और कहा जाता है कि जब निक का जन्म हुआ था तब इनके पेरेंट्स ने इन्हें देखने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन फिर बाद में इन्हें गॉड का प्लान मानकर एक्सेप्ट कर लिया था। और आज ये ना सिर्फ एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं बल्कि एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इनके 4 बच्चे भी हैं। तो ये था दोस्तों दुनिया के 10 अजीबोगरीब लोगों का वीडियो। उम्मीद है आपको काफी पसंद आया होगा, जिसके चलते आप इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।